हर पेंटिंग कुछ ना कुछ कहती है, वो आपसे बातें करेंगी। हर पेंटिंग का एक टाइटल है, एक सब्जेक्ट है, जैसे ये पेंटिंग है। अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है, तो 16 अक्टूबर तक चलेगा। और इस समय जो हमने काम लगाया है, आप प्लीज़ आप आएँ और देखें। वेरी डिफरेंट वर्क, 3 डायमेंशन, टच मी नॉट मेरा कॉन्सेप्ट है। आप आएंगे, देखेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है, प्लीज़ आएँ और देखें, और मुझे बड़ी खुशी होगी। तो प्लीज़ कम टू जहांगीर आर्ट गैलरी। कॉन्सेप्ट है टच मी नॉट, जो भी 3 डायमेंशन में ये जो सारे काम मैंने जो किए हैं, हर पेंटिंग कुछ ना कुछ कहती है, वो आपसे बातें करेंगी। हर पेंटिंग का एक टाइटल है, एक सब्जेक्ट है, जैसे ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग का मकसद है, जैसे एक एक एग है, अंडा है, कोई भी जीवन जब उत्पत्ति होती है, जैसे अंडा अंदर से जब टूटता है तो बाहर एक जीवन होता है। जस्ट लाइक जीवन अंदर से टूटा हुआ है, लेकिन अगर यही एग बाहर से टूट जाएगा तो अंदर एक जीवन की मृत्यु होती है, तो वो अंदर से मर जाएगा। तो इसके लिए ये जो जीवन है, इस जीवन का मकसद है, हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं कि जीवन में अगर कुछ जीवन चाहिए तो आपको अंदर से टूटना पड़ेगा। जब तक आप अंदर से नहीं टूटेंगे तब तक बाहर जीवन नहीं आएगा। तो ये है हमारा कंसेप्ट। ऑल पेंटिंग का कुछ ना कुछ सब्जेक्ट है। ये हमारे 3 डायमेंशन में ये इतनी बिग मैन है, इनके बारे में ये सारी पेंटिंग है, ये मैचिंग है कि हर हर सब्जेक्ट में अगर कोई आदमी ये सोचे कि भई ये क्या है, तो कई बार दिमाग में आता है कि भई हर चीज़ अगर एक ही जैसा हो, जैसे मेरा रैट है, ये बर्ड है, ये ह्यूमन है, ये बटरफ्लाई है, बलून है, ये डॉग है, एक मैचिंग है ना, तो ये भी एक देखने में बड़ा एक उसकी फीलिंग आती है कि हर चीज़ अगर एक जैसा हो, सिमिलर हो, तो क्या होगा। ये मेरा भाई का कॉन्सेप्ट है ना, जो इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो सुंदरता है, ये देखने में जो इसका भाव उत्पन्न होता है, मेरा का जो कंसेप्ट था वो मैंने पेंटिंग में उतारा है। ये है मैजिशियन। हर आदमी मैजिशियन है, कुछ ना कुछ एक तमाशा दिखाना चाहता है। दुनिया हर आदमी दिखाता है कि देखो मेरे पास इतना टैलेंट है। जस्ट लाइक ये पेंटिंग है, हर आदमी कबूतर उड़ा रहा है, मीनिंग उसका ऐसा है। बुद्धा का ये पेंटिंग है, ये बुद्धा की जो फीलिंग है, पीस ऑफ द बुद्धा। यस, ये पेंटिंग है। ये है एनिमल्स बैंड, है ना, सारे एनिमल्स हैं, उनका एक बैंड है, वो कैसे
अगर एनिमल बैंड बजाएगा तो कैसे बजाएगा, तो सारे एनिमल ने मिलकर एक बैंड बनाया है, तो इसका टाइटल मैंने एनिमल बैंड रखा है। ये गुरु गोविंद सिंह का है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की जो भी स्टोरी थी, पांच बच्चे था उनके, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने उसमें डाला है। तो इस तरह बहुत सारी मेरी मेरे वर्क है, हर पेंटिंग कुछ ना कुछ कहती है। तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप आएँ और भी सारी बहुत सी पेंटिंग है उसे देखें और अपना आनंद लें। थैंक यू सो मच।